हे एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन। हाँ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आप समझो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबको पता है 46 होते हैं एंड 23 पेयर्स। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं, उनमें से 22 पेयर्स क्या होते हैं, आपके ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। सबको पता है ये, इसमें कोई भी। अब यहाँ पर तीन स्पेशल कंडीशंस आपको दी हुई हैं, वो स्पेशल कंडीशंस आपको समझनी है, ये टर्म भी इम्पॉर्टेंट है। मोनोसोमी क्या होती है? लैक ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मोनोसोमी कंडीशन तब आएगी कि जब इन 46 में से कोई एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा, या फिर आप बोल सकते 23 पेयर में से कोई एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिसिंग होगा। ठीक है, ट्राइसोमी क्या होती है? ट्राइसोमी कंडीशन क्या होती है? बेसिकली ये कंडीशन होती है इल्यूजन ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। ये एक इल्यूजन होता है, एक धोखा होता है कि हमें लगता है कि एक एडिशनल कॉपी हो गई है क्रोमोसोम की, यानी कि एक और क्रोमोसोम इसमें ऐड हो गया है, बट एक्चुअली में ये नहीं होता है, ये हमारा इल्यूजन होता है। हमें उसके जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के या किसी भी चीज़ के, उसको देख के लगता है कि उसमें एक क्रोमोसोम और ऐड हो गया, एंड दैट इज़ योर व्हाट, ट्रायोसोमी। लास्ट वाली जो कंडीशन आती है दैट इज़ इंटरेस्टिंग, दैट इज़ योर एनिप्लॉयडी। एनिप्लॉयडी क्या होती है? लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। यानी कि ये कंडीशन तब बनती है जब हमारा जो क्रोमेटिड्स थे सेल डिवीजन के टाइम, उनका सेग्रीगेशन नहीं होता है। सो उस सेग्रीगेशन ना होने की वजह से अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा प्लस या माइनस की कंडीशन हो जाती है क्रोमोसोम के साथ, सो वो क्या होता है, दैट इज़ योर एनिप्लॉयडी। और इसका एनिप्लॉयडी कंडीशन अगर कहीं बन रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि क्रोमेटिड्स जो थे हमारे डीएनए में, उनका क्या हुआ कि सेग्रीगेशन नहीं हुआ सेल डिवीजन के टाइम। ठीक है, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है हमें, और पहला आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम है पहली डिजीज़ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पहली डिजीज़ जो डाउन सिंड्रोम है उसका कॉज क्या है? प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, राइट? यानी कि 21st जो क्रोमोसोम है, 21वां क्रोमोसोम जो आपकी बॉडी में है, अगर उसका एक क्या होता है एडिशनल कॉपी बन जाती है, ट्रायोसोमी कंडीशन भी बन जाती है 21st क्रोमोसोम की, सो डाउन सिंड्रोम कॉज होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आपको यही ध्यान रखना है गाइस कि ये जो क्रोमोसोम की नंबर्स दिए हुए हैं बहुत मैटर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं डिजीज़ कॉज करने में। सो आपको क्रोमोसोम नंबर याद करने होंगे कि कौन से डिजीज़ किस क्रोमोसोम नंबर में डिसऑर्डर होने की वजह से होती है। तो डाउन सिंड्रोम आपका 21st क्रोमोसोम की अगर कोई एडिशनल कॉपी बनती है तब आता है। ठीक है, अफेक्ट कैसे करती है इंडिविजुअल को? उसका शॉर्ट स्टैचर हो जाता है, स्मॉल राउंड हेड रहता है, फॉरवर्ड टंग रहती है, पार्शली ओपन माउथ रहता है, राइट? और या फिर कोरिजेंटल हार्ट डिजीज़ होती है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। ये सारे क्या हैं आपके, बेसिकली आप बोल सकते हो सिम्टम्स हैं। स्मॉल राउंड हेडेड, ये सारी चीज़ें, पार्शली ओपन माउथ, ये सारे आपके हैं बेसिकली सिम्टम्स, तो याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम आया आपके दिमाग में, सबसे पहले आना चाहिए क्रोमोसोम 21 का क्या बनेगा, एडिशनल कॉपी बनेगी। उसके बाद आपको याद होना चाहिए सिम्टम। सिम्टम की बात आप कर रहे हो तो आपको याद होना चाहिए स्मॉल राउंड हेड होगा, मेंटल रिटार्डेशन अगर हो रही है, और हार्ट डिजीज है, पार्शली ओपन माउथ है, तो ये सारी किसके आपके रिजल्ट कर रही हैं डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, ट्राइसोमी कंडीशन बनती है डाउन सिंड्रोम में, ओके। दूसरा आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? एक्स क्रोमोसोम जो है उसकी एडिशनल कॉपी बनती है, यानी कि 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में। मैंने यही बताया था कि किसी भी क्रोमोसोम का जब कंडीशन में होता है, 46 हमारी बॉडी में होते हैं, उसमें एक और क्रोमोसोम बढ़ गया, सो क्या हो जाएगा, हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है,
अब ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का हमारा क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का इफेक्ट होता है आपका कि ओवरऑल मस्कुलर डेवलपमेंट जो होता है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। इंडिविजुअल जो है वो स्टेराइल होता है, ठीक है। और यही दो मेन रीज़न होती हैं जो आपको दिखाई देते हैं किसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एक क्रोमोसोम एडिशनल बनता है बॉडी में। आई होप ये क्लियर होगा। अब आता है टर्नर्स सिंड्रोम, लास्ट है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम क्या होता है? अगर आपके नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है, सो दैट इज़ द कंडीशन व्हेन योर टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड। यानी कि 46 क्रोमोसोम माइनस वन क्रोमोसोम, ठीक है, 46 माइनस वन क्रोमोसोम की कंडीशन अगर बन रही है, यानी कि एक्चुअल में आपकी बॉडी में 45 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, सो दैट इज़ द रीज़न जब आपका टर्नर सिंड्रोम कॉज होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका इफेक्ट समझो, फीमेल्स इसमें स्टेराइल होती हैं, रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं, राइट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एब्सेंट होते हैं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम आपका किसको इफेक्ट करेगा, पहले तो इसको पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करो। टर्नर सिंड्रोम में आपके कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 45। सेकेंड चीज़, ये फीमेल्स को इफ़ेक्ट करता है, मेल्स को नहीं, ठीक है, मेल्स को ये इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं करता है। सो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 45 क्रोमोसोम्स अगर बॉडी में है, टर्नर सिंड्रोम इफेक्शन ओनली ऑन फीमेल्स, और फीमेल्स में भी क्या क्या इफेक्ट करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एब्सेंट होते हैं, रिबेडमेंट ओवरीज, स्टेराइल फीमेल्स, ठीक है, ये हैं इसके कॉज। वहीं आपका जो ये दिया था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये बहुत, ये उसी को ऑपोजिट है, 47 एक एडिशनल क्रोमोसोम था, जनरली ये मेल को इफ़ेक्ट करता था, फीमेल्स को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करता था ये, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये फीमेल्स को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और जब ये मेल को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है, जब ये मेल को इफ़ेक्ट करेगा तो उनमें मस्कुलिन डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मेल्स स्टराइल होंगे, ठीक है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था पूरा आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई